से मुलाकात करने वाला है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग से मिलकर गठबंधन की तरफ से 3 प्रमुख मांग की जाएगी। पहली मांग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान कराने की है। दूसरी मांग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कराने की है। तीसरी मांग राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताए जाने की है। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू की जाने की ये मांग इंडिया गठबंधन की है, जो आज चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपनी ये मांगे रखेगा। शिवम हमारे सहयोगी और जानकारी देने वाले हैं। शिवम, ये मुलाकात कितने बजे होनी है और क्या एग्जैक्ट मांग कर रहा है इंडिया गठबंधन 4 जून को नतीजों के लिए? तो हमारे सहयोगी से हम संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी ले लीजिए, ये विक्ट्री शो करता हुआ इंडिया गठबंधन जिनके खिलाफ आ रहे हैं एग्जिट पोल में नतीजे। अब ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट साबित हो जाते हैं तो बड़ी चिंता यहाँ विपक्ष के लिए हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिल रही है, आज ये डेलीगेशन पहुंचने वाला है इलेक्शन कमीशन। शाम 4:30 बजे का समय है जब चुनाव आयोग से मुलाकात की जानी है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और 3 प्रमुख मांगे रखी जानी है। वही 3 प्रमुख मांगे अपने सहयोगी से हम जानेंगे विस्तार से कि आखिर क्या है वो 3 प्रमुख मांगे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए। शिवम हमें जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। शिवम, 3 प्रमुख मांगे कौन सी होने वाली है इंडिया गठबंधन की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के दौरान, विस्तार से बताइए। देखिए, इस पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है उसको लेकर लगातार हमलावर रहा है। चुनाव इंडिया गठबंधन का ये कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लगातार समय मांगे। कल इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज शाम 4:30 बजे का समय मिला है, इस दौरान इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन जाएगा और 3 बड़ी और महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं उस अनुसार वीवीपैट का मिलान हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि 45 दिन तक ईवीएम सुरक्षित रखी जाए। दूसरी बड़ी मांग इंडिया गठबंधन ये कर रहा है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी काउंटिंग ईवीएम से पहले हो। अभी आमतौर पर पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग होती है वो ईवीएम काउंटिंग के बाद होती है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन का ये मानना है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले होनी चाहिए। तीसरी और बड़ी मांग ये है कि जब एक राउंड की मतगणना समाप्त हो जाए तो सभी प्रत्याशियों को डेटा सार्वजनिक किया जाए, उनको बताया जाए, और जब किसी को भी कोई आशंका ना रहे उसके बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू हो। हालांकि अभी तक ये प्रक्रिया नहीं होती है, सबको डेटा दिया जाता है लेकिन सभी से ये नहीं पूछा जाता कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। इंडिया गठबंधन ये 3 प्रमुख मांगे कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट का मिलान हो, दूसरी बड़ी मांग है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो। शिवम, इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है, सपा, आरजेडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सभी के प्रतिनिधिमंडल 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे और अपनी वहां पर 3 जो बड़ी मांग है। तो नतीजों से पहले ये इंडिया गठबंधन की एक मांग जिसके लिए शाम 4:30 बजे मुलाकात होनी है इलेक्शन कमीशन में जाके, इस पर